जय माता दी। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो हम बनाएंगे माता रानी के भोग के लिए मखाना की खीर। और मखाना की खीर हम फटाफट से जल्दी से जल्द बनाने के ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे मखाने एकदम गाढ़े से और एकदम रबड़ी के जैसे टेस्ट में लगे। तो हमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है खीर बनाने के लिए। ये खीर हम व्रत में खा सकते हैं, माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बना, देखिए इस तरह से बनेगा। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई ले लिया है और एक चम्मच देसी घी डालूँगी। तो मैं गाय का घी इस्तेमाल कर रही हूँ माता रानी के भोग के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेज पत्ता डाल दिया है, थोड़े बादाम, थोड़े काजू और थोड़े से ये सब चीज़ें ड्राई फ्रूट में आपके पास जो हो वो आप डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने दो तीन रंग के ड्राई फ्रूट डाल दिया है। अब इसे हम एक मिनट तक रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से जब हम करके डालते हैं ना खीर में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस एक मिनट के अंदर ये भून के तैयार हो जाता है। फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ, नहीं तो जल जाएगा, बहुत ज़्यादा जल जाएगा तो कड़वा आएगा खाने में। सभी ड्राई फ्रूट को मैंने निकाल लिया है, उसमें थोड़ा सा घी बचा है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा घी नहीं डालूंगी। इसी में मैं मखाने को भी फ्राई कर लूँगी, चाहे तो मखाने सूखे भी भून सकते हैं और तो मखाने अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी के लगभग मखाना लिया है छोटी कटोरी से, तो मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी। अब इसे भी हमें रोस्ट कर लेना है और हमें इसे इतनी देर तक भूनना है जब तक इसे दबाने पे हाथों से टूटने ना लगे। तो लगातार चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए मखाना पक गया है, मतलब अच्छे से कड़क हो गया है। अभी गर्म है इसलिए हाथ से तोड़ने पर थोड़ा सा अच्छे से नहीं टूट रहा है, ठंडा हो जाएगा, बढ़िया तरह से टूटेगा। ये देखिए ठंडा हो चुका है, इस तरह से हम तोड़ लेंगे सभी को। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में हल्का सा एक बार चला लें, और हमें बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं चाहिए इसलिए मैंने इसे मिक्सी जार में डाल के इसे ग्राइंड नहीं किया। मैं थोड़ा थोड़ा इसे तोड़ ली इस तरह से और बड़े वाले पीसों को तोड़ देती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। इस तरह से मखाने को तोड़ने के बाद थोड़ा मखाना ठंडा हो गया है और कढ़ाई भी ठंडी हो गई है। अब जब ये प्रोसेस करें तो कढ़ाई ठंडी रहे, उसके बाद ही इसमें दूध डालें। देखिए कढ़ाई इस समय ठंडी है और इसमें मैंने दूध डाल दिया है। फिर से मैं गैस को ऑन कर दी। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट बढ़िया तरह से पकाऊंगी। दूध पहले से पका हुआ है, गाढ़ा दूध है, तो आप जब भी खीर बनाएं तो इसमें पका दूध और गाढ़ा दूध ही डालें। और देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब नारियल का घोल आधा लिया हुआ है, उसे डाल दिया है स्वाद के अनुसार। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट के साथ बड़ी गरी को कट करके डाल सकती हैं। और यहाँ पे स्वाद के अनुसार चीनी डाल दिया है मैंने 2-3 चम्मच के करीब। बढ़िया तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पे पकाएंगे, जैसे दूध गाढ़ा हो जाए और रबड़ी के जैसा लगने लगे। मीडियम आंच पे देखिए मैं इसे पका लेती हूँ, बीच बीच में चलाते रहना है। मैंने तेज पत्ता फ्राई करके रखा था, मैं इसके साथ डाल देती हूँ, टेस्ट में अच्छा लगता है। देखिए मखाना एकदम रबड़ी के जैसा लगने लगा है, पक गया है। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा 2 इलायची कूट के पाउडर और जो ड्राई फ्रूट मैंने रखे थे उसे डाल देती हूँ। अच्छे से चला लेंगे, देखिए कितना थिक हो गया है। अभी इसे हम और पकाएंगे 2 से 3 मिनट।
ये मीडियम आंच पे ऐसे पकता रहेगा तो मखाने अच्छे से गल जाएंगे। देखिए इतना मखाने हम इस तरह से करेंगे ना तो मखाने एकदम अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। इसी तरह से चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। आप चाहे तो इसे तैयार कर लें। यहाँ पर भी खीर अब बन के तैयार है। खीर मैं इसे निकाल देती हूँ प्लेट में। माता रानी की भोग के लिए बनाई हूँ तो स्टील का बर्तन मैं यूज करूँगी। स्टील के बर्तन में ही माता रानी स्टील या पीतल कास आपके पास ना हो पीतल कास तो आप स्टील के बर्तन में ही माता रानी को भोग चढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भोग बन के तैयार है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना।